हेलो हेलो व्हाट्सअप। इंट्रो में ज़्यादा टाइम वेस्ट मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी दिनों बाद आया हूँ मैं और मुझे भाई खेलने का कुछ ज़्यादा ही मन हो रहा है। सो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले भाई तुम जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भर भर के लाइक कर दो, तब तक मैं सोता हूँ। कर दिया ना लाइक, नहीं तो फिर से सो जाता अब भी। चलो जोक सपाट। तो यार आज भाई हमको कुछ ज़्यादा ही काम करना पड़ेगा क्योंकि भाई इतने दिनों से वीडियो नहीं आई, सो मुझे काम तो करना पड़ेगा इस वीडियो में कुछ। ओए बिना इजाज़त के घर में कैसे घुस रहा है तू? निकल निकल भाई। ज़ॉम्बी बच्चे को भाई इधर पर अच्छा वाला खड़ा था, उधर पर प्रेशर प्लेट पे लाद रख के इसको अंदर बुला दिया। फाइनली मार दिया मैंने इसको। और तुमको क्या लग रहा है इतने दिनों में मैंने कुछ नहीं किया? भाई जितने भी आजू बाजू की तुम बस ये चेस्ट देखो और फिर उसके बाद तुम मुझे बताना। ये देखो भाई, इंचार्टनेट, गोल्डन एप्पल, ऑब्सीडियन, आयरन, गोल्ड, क्या क्या नहीं है अपने पास। और तुम सब सोच रहे हो कि भाई इतना आइटम कैसे आ गया तेरे पास। सो या भाई मैं तुमको बता दूं कि इधर पर काफ़ी सारी वो क्या कहते हैं ना, वो माइनशाफ्ट कुछ तो बोलते हैं उससे, शायद से मैं भूल गया हूँ, उन्हें ये रेल बिछी रहती है मतलब। भाई तुम समझ जाया करो ना भाई, मैं तुमको पता है मैं हूँ बेवकूफ थोड़ा। और लगे हाँ तो भाई मैंने ये भी कलेक्ट कर लिया, अब इनसे भी मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, जैसे कॉन्क्रीट बोलते हैं, नहीं टेराकोटा, टेराकोटा, हाँ भाई टेराकोटा भी काफ़ी सारे कलर का मैंने कलेक्ट कर लिया क्योंकि अब मैं इन्हीं से घर बनाने वाला हूँ। वो तो तुमको आगे पता चलेगा कि मैं इससे बनाऊंगा कि नहीं। सो यार आज की वीडियो पूरी देखना, तुमको काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है और आज की वीडियो तो काफ़ी बड़ी भी है। सो यार बस तुम तो एयरफोन लगा कर बैठ जाओ और मस्त तरीके से वीडियो देखो। अभी अपनी कुटिया से बाहर निकलते हो, बाहर के नज़ारे देख रहे हो तुम। बाकी ये लावा पूल ने अपना पूरा मूड बिगाड़ दिया, वैसे कोई दिक्कत नहीं, इसको तो मैं चलते चलते भी ब्लॉक कर सकता हूँ। वैसे भाई तुम अगर इधर पर देखो तो, अरे भाई तोता यार, अपना भाई तोता, मैंने तुमको बताना भूल गया, रुको रुको भाई इधर पर ही है वो, मैं तुमको बताता हूँ। वो तो भला उस तोते का जो कि मेरे सामने आ गया, तो मैंने भाई मुझे एकदम से दिमाग में आया कि भाई मैंने एक तोते को इधर पर बंद करके रखा है भाई, सफोकेट होके कहीं मर ना गया हो वो। सो या मैंने इधर पर उसको रख दिया था क्योंकि मैं तुमको बताना चाहता था, नहीं तो मैं उसको मेरे साथ भी ये रहा। ए भाई लेकिन मैंने नीला किया था यार, बस तुम्हारी रेसिस्ट, बट कुछ भी कहो नीले से अच्छा तो ये लाल ही लग रहा है। अब तो तू मस्त खुली बाहर की हवा ले, बेचारा 3 दिन से इसी केज में बंद पड़ा था। और अभी इधर पर आ गया हूँ तो लगे हाँ तो मैं थोड़ी वुड भी कलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि घर बनाने में भाई क्या मालूम क्या चीज़ की कमी पड़ जाए। और हाँ मैं तुमको भाई वुड कलेक्ट करने से पहले बता दूं कि मैंने इतना सारा टेराकोटा कहाँ से लेके आया हूँ, नहीं तो तुम बोलोगे भाई तूने तो त्रियतिप से ले लिया। नहीं भाई जरा शांत रखो, मैं बता तो रहा हूँ। बूम गाइस, देख रहे हो ना कितना बड़ा गड्ढा कर दिया भाई मैंने। मैं तो सोच रहा हूँ ना इसी में घर बना लूँ। ना 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 भाई, अपने दम पे बनाएंगे बिल्कुल, शुरू से लेके आखिरी तक अपना ही टच रहना चाहिए उसमें, ऐसा नहीं कि हर कहीं भी उठा के बना दिया। और भाई इधर तो मैंने थोड़ा ही कलेक्ट किया था, वहाँ के ऊपर भी किया था मैंने क्योंकि मुझे कुछ अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टेराकोटा चाहिए थे अपने घर बनाने के लिए। सो या मैं इधर पर दूर भी गया था थोड़ा, हट बाढ़ में जाए भाई, इतनी दूर मैं तो नहीं जा रहा भाई, पैर दुखने लगे यार। अब हो गया ना तुमको विश्वास, एक बता दिया काफी है तुम्हारे लिए। और क्या रे, 4 ब्लॉक से कूद रहा हूँ, टट 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 डैमेज भाई, क्या ये है। सो अभी मुझे काफी सारी डर्ट चाहिए तो मैं थोड़ी माइन कर लेता हूँ, थोड़ी नहीं कुछ ज्यादा ही चाहिए क्योंकि हम कुछ ज्यादा ही बड़ा घर बनाने वाले हैं। सो या हमको थोड़ा सरफेस हमारा प्लेन रखना पड़ेगा, इसलिए थोड़ी डर्ट मर्ट में कलेक्ट करके और उधर पर प्लेस कर रहा हूँ। तो सो या मिलते हैं थोड़ी डर्ट कलेक्ट करने के बाद। तो अभी मैंने कुछ ज्यादा ही डर्ट कलेक्ट कर लिया, इतनी कर लिया कि भाई मेरी इन्वेंट्री भरा चुकी है। सो या नीचे भी पड़ी है काफी सारी और मेरी सबल देखो भाई मरने को हो रही है। बाकी अभी मेरे पास कितनी डर्ट है, 2 स्टैक। अब भाई ये क्या कचरा भरा है, इसको फेंक के भाई मुझे जल्दी से डर्ट मर्ट उठाना पड़ेगा। अभी देखो भाई तुमको लाइव एग्जांपल देता हूँ कितनी छल्ली एक स्टैक होता है। अभी ये घूमा मैं, घूमा 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 और इधर पर आके अब नहीं उठ रहा है ना, कलेक्ट नहीं हो रहा। अब ये देखो भाई इतने जल्दी, यानी कि वो तो ऑब्वियसली बात है हो गई भाई, मैंने पहले से ही तोड़ के रखा था। गाइस यार थोड़ा बहुत सहन कर लो, तुमको पता है जब मैं इतने दिनों बाद खेलने आता हूँ तो थोड़ा बहुत तो हकता हूँ मैं। तो अभी मैंने काफी सारी डर्ट कलेक्ट कर ली है और निकल इधर से। तो अभी इधर से प्लेन करना चालू कर देते हैं। तो ये रही अपनी लास्ट डर्ट जो कि अपने पास थी और मैंने लगा दिया। और अभी देखा जाए तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि कुछ किया ही नहीं है, लेकिन मेरी मानो तो भाई इधर पर मैंने 5-6 स्टैक लगा दिए हैं डर्ट के। और उससे पहले मैं सोने चलता हूँ, नहीं तो डर्ट भर भर के मारेंगे मुझे। लेट्स गो। हो चुकी है सुबह, चलते हैं अपनी वर्किंग साइट पर जो कि अपने बिल्कुल घर के सामने ही है। और मैंने अभी देखा भाई ये लावा पुल को हटाना पड़ेगा, नहीं तो मैं इसमें गिर गया ना, पर तो गया अपना बल्ड मल्ड सब कुछ। तो अभी ये पेड़ कर रहा है नाटक, तो इसको थोड़ा हटा देता हूँ मैं। 1 2 3 बूम। तो अब बाकी का वही अपने आप हो जाएगा। उसने बोला भाई तुम टेंशन ना लो, मैं हूँ ना। सो बैक टू द वर्क और चलते हैं सीधा। ओए ओए भाई ये क्या है,
भाई मेरा माइनक्राफ्ट तो नशे करके बैठा है 15 दिन के अंदर। आई नो 15 दिन से ज्यादा हो गया, लेकिन यार चलो चलो छोड़ो, जल्दी से अपने ये कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद कुछ अलग प्रोसेस करेंगे। भाई मैं थक गया दर्द लगाते लगाते। भाई इतना अपन ने कंप्लीट कर लिया और मैं काफी ज्यादा थक गया यार, तो यार मुझे ब्रेक चाहिए। सोया मैं अगले दिन आता हूँ, फिर उसके बाद करता हूँ मैं। सोया गुड मॉर्निंग गाइस, अभी थोड़ा मैं थोड़ा नाश्ता कर लेता हूँ, फिर उसके बाद भी काम भी तो करना है। तुमको क्या लगा मैं इतनी देर रुकूंगा? भाई मैंने ऑफलाइन में ना पूरा बना के रख दिया। और भाई तुमको बताऊँ ना, मुझे एक बुक भी मिली है, प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन ऐसा कुछ लिखा है इसमें। सो यार हम इसको भाई जल्दी से कुछ इंचार्टमेंट में लगा देंगे। और बाकी के अपनी काफ़ी सारी पिकेक्स दाव पे लग चुके हैं भाई, काफ़ी स्टॉक रखा है मेरे पास। और वही सब अपना ये पुरानी सी टपरिया, और ये देखो भाई साहब, तुम मतलब कि देख रहे हो ना कितनी मेहनत लगी होगी ना मेरी इसमें। थोड़ा सा तुमको ऊपर जाके बताता हूँ। फाइनली इधर से हमारा पूरा एरिया दिख रहा है जो कि मैंने प्लान किया है, और इसमें बनने वाला है हमारा घर। भाई क्या ही बड़ा है यार ये, इसमें कितना बेहतरीन घर बनेगा। और घर का डिज़ाइन मैंने सोच लिया है, वैसे सोच तो क्या ही लिया, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। देखते जाएंगे, बनाते जाएंगे और मिटाते जाएंगे, अगर कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा तो सो मैं उसको बदल दूंगा। वैसे मैंने एक प्लान तो बनाया बनाने का, बाकी देखते हैं। और वो चेस्ट जो तुमको दिख रही है ना बीचों बीच में, वो सेंटर है हमारे पूरे एरिया का। सो या मैंने उसको इसलिए उधर पर रखा है, और बाकी अब मैं उधर ही से स्टार्ट करूंगा मेरा घर बनाना। और या स्टार्ट करते हैं। और काफ़ी दिनों से कुछ खतरों के काम नहीं किए हैं, सो या खतरों के खिलाड़ी बनने का टाइम आ चुका है। और इसी के साथ लाइट भी गई और मैंने MLG भी कर दी। अबे तुम्हारी, तुमको इधर पर आने का किसने बोला? रुको तुम्हारी, मैं बताता हूँ। अबे बच्चे निकल इधर से, निकल अपनी मम्मी को लेके जा। अबे तू किधर पर आ रही भाई, इनको तो अच्छे से मारो। सेट भाई मार दिया मैं। चल चल तू भी निकल पहली फुर्सत में। अभी ये रह गया, रुक तू बेटा, आसपास देख लूं थोड़ा कोई है तो नहीं। नहीं अबे छोड़ो यार, रह तू इधर पर, तू भी क्या याद रखेगा। और बाकी देखो मैंने कितनी सारी वुड कलेक्ट करके लेके आ चुका हूँ। अच्छा क्या ही, 2 स्टैक पड़े, मुझे और सारी वुड भी चाहिए। सो मैं या अभी जाऊँगा या फिर थोड़ी देर बाद जाऊँगा। और लाइट भी आ गई। अभी गाइस तुम सोच रहे होगे कि दिन से रात कैसे हो गई एक झटके में। सो ये मेजरमेंट का कुछ थोड़ा इशू हो गया था, तो मुझे घर चाहिए बिल्कुल परफेक्ट। सो या मैंने इसलिए थोड़ा टाइम देके मुझे उधर से भी थोड़ा बढ़ाना पड़ा, इधर से भी बढ़ाना पड़ा। और या सेंटर निकल के आ चुका है, ये चेस्ट के सामने ये 2 ब्लॉक हैं अपने सेंटर। सेंटर सेंटर बाद में खेलेंगे, अभी थोड़ा सो जाते हैं। अबे मॉन्स्टर, अबे भाई मॉन्स्टर सोने भी नहीं देते ढंग से। बैट तोड़ो, यहाँ से बैट तोड़ कर निकलता हूँ मैं तो। अबे रुक रुक जा भाई, घर तोड़ेगा क्या? बैट लेके जाता हूँ सीधा अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर, उधर ही पर सोएंगे, मस्त खाएंगे पिएंगे, उधर ही पर रहेंगे। बारबेक्यू इन माइनक्राफ्ट, थोड़ा हाथ तो साफ कर ही लूँ। मार मार मार, ये बात ये ले, एक तो तू खा। अबे पीछे से वार नहीं करने का। और ये ये ये, ये। अबे तोते घर चल, नहीं तो भुन जाएगा तू इधर पर। सॉरी गाइस, मैंने थोड़ा एंट्री गेट यानी थोड़ा अंदर रख दिया था, चेस्ट के बिल्कुल सामने ही रख दिया था, तो इधर पर मैं थोड़े 2 ब्लॉक लगा देता हूँ और इनके इनको थोड़ा स्ट्रिप कर देते हैं। वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, इनको ऐसे ही रखते हैं और इनके ऊपर मुझे लगाना है। तो ये होगी बेसिकली हमारी एंट्री जहाँ से हम एंटर करेंगे। ऑब्वियसली बात है भाई, एंट्री होगी तो एंटर तो कर। भाई मैं 15 दिन में पागल हो गया। अभी मैंने इनको 4-4 ब्लॉक कर दिया है, तो अभी इनको थोड़ा स्ट्रिप कर देता हूँ, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है और भाई सच में अच्छा लग रहा है। और अभी मुझे टेराकोटा लेना है, वही तो बोलूँ, देखो कितने डिजाइन से सजाए मैंने। सो यार अभी टेराकोटा लेते हैं और बाउंड्री बनाता हूँ, फिर उसके बाद मिलता हूँ। आउटलाइन में कुछ इस तरीके से बना रहा हूँ कि 5 ब्लॉक के बाद फिर अपने 2 ये वुड वाले आएंगे, एक इधर पर और एक इधर पर, और फिर से अपने येल्लो टेराकोटा लेंगे और फिर से 5 अपन ऐसे रखेंगे और फिर से वही अपनी वुड रखने। तो ऐसे मैं आउटलाइन बना रहा हूँ अपने घर की। सो यार उसी के बेसिस पे अपना पूरा घर बनने वाला है, 5-5 ब्लॉक छोड़ के बस थोड़ा सा। और 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये बात भाई मजा आ गई। बिल्ली हाई फाई दे के जाए इधर पर, किधर पर वगैरह, ये ले वेल डन। अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई इधर पर लगने की? ये मेरा एरिया है और मेरे एरिए नीचे ये वुड भी अच्छी लग रही है। अबे तू तू आ जा पहले, हाँ नहीं तो काम भी नहीं करने दे ढंग से। अरे परफेक्ट हो नहीं यार, अच्छा नहीं लग रहा, इसको थोड़ा बदलना पड़ेगा मुझे। मैं देख के आता हूँ मेरे घर में अगर कुछ पड़ा होगा तो मैं उधर पर इसको लगा दूंगा, नहीं तो यार ये तो कुछ ज़्यादा ही बुरा लग रहा है मुझे। छी 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 भाई, मैं तो नहीं रखने वाला ऐसा। मैं चला घर पे भाई, देखूँ कुछ तो होगा यार मेरे पास ऐसा लगाने के लिए। सेट यार मेरे पास बस कुछ स्टैक कोबल स्टोन ही है और उसके बाद तो ओ बेटा आइडिया भाई, मेरे दिमाग में आइडिया आया।
कोबल स्टोन है, इससे भाई हम ये भी तो बना सकते हैं ना, स्टोन मैंने रखे थे भाई उनको पकने के लिए। सो यार 64 आ चुके हैं, और अभी मैं तुमको देखो एक जलवा बताता हूँ। सो अभी मैं ये गोल्ड मोल्ड निकाल लेता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ तुमको। और मेरी ये वाली चेस्ट में रख देता हूँ मैं ये गोल्ड, भाई जाना जल्दी जल्दी, अबे भाई टच ही नहीं हो रहा है यार। सो अभी स्टोन को ले लेता हूँ मैं इधर पर, जो कि भाई हमने अभी मेल्ट करे हैं। और अभी मैं तुमको मस्त वाली ट्रिक बताता हूँ, और अभी हम बना सकते हैं इन स्टोन से स्टोन ब्रिक्स, जो कि भाई काफ़ी ऑसम लगती हैं हर बिल्ड में। सो यार मैं ट्राई ज़रूर करूँगा ये देखने के लिए भाई कैसा लग रहा है आखिरकार हमारा घर। सो यार इनको लेके चलते हैं जल्दी से अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर। अरे कब से लगाऊँ यार कंस्ट्रक्शन साइट, कंस्ट्रक्शन साइट भाई माइनक्राफ्ट खेल रहा हूँ या फिर और कोई कंस्ट्रक्शन वाला गेम? देखो देखने में ना बुरा लग रहा है ना अच्छा लग रहा है, सो यार ये थोड़ा डिसेंट टाइप का लग रहा है, इसको हम रख सकते हैं। ओ वेट आइडिया, रुको रुको रुको, क्राफ्टिंग टेबल किधर है? क्राफ्टिंग टेबल इधर पर, इसको रखूँ और इसमें से मैं अगर कुछ स्टेयर्स या फिर स्लैब्स बना लूँ तो उनको अगर वो डिजाइन विजाइन में लगाते ना तो भाई और ऑसम हो जाएगा। रुको रुको मुझे बनाने दो ना, ये इधर पर तो अच्छी नहीं लग रही है यार, कहाँ पर लगा सकता हूँ यार स्टेयर्स को मैं, जाके अच्छा लगा। हट मैं तो चला भाई सोने के लिए। सो लुकिंग नाइस हैं भाई, देखो दिखने में अच्छा तो दिख रहा है, थोड़ी बहुत फील दे रहा है कि हाँ कुछ बनाया है मैंने, बाकी और थोड़ा इसमें टच डालेंगे अपन। बाकी ये तो काफ़ी मस्त लग रहा है, देखो ये डिजाइन तो मैं चेंज करने नहीं वाला, और देखते हैं अगर कुछ होगा तो कर भी देंगे उसमें क्या। और अभी एक और MLG करने का मौका आ चुका है। सो यार अरे भाई गॉड यार मैं तो प्रो। सो अभी ना हमको ये नीचे की ये लेयर भी निकालनी पड़ेगी जो कि काफी बुरी लग रही है, सो इसको निकाल कर और इधर पर मैं सही से प्लैंक्स लगाऊंगा। सो या वो बेटर रहेगा। फटाक से पहले एक सबल बना लेता हूँ क्योंकि सबल की काफी ज्यादा जरूरत है, और मेरे पास स्टोन नहीं है भाई, लकड़ी की बनानी पड़ेगी अभी तो। सो यार लकड़ी से ही काम चलाना पड़ेगा। अरे तू हटना भाई, अभी घर बना नहीं है, तू पहले ही आ रहा है साले। ओके लेट्स गो भाई, इसको प्लेन करने में जो माथा जिद्दी हुई है ना भाई, नीचे इतने बड़े बड़े गड्ढे क्या ही बताऊं मैं। सो यार अभी पोमड़ी है इधर पर, हेलो पेटा जी, ले ले मेरे लक्ष्य से मुझको भटका रही है वो। टिन टिन सस्ता सिनेमेटिक टिन, अबे तेरी सिनेमेटिक खराब कर दिया पिद्दे खोड़े। शांति, अब चलो फिर से सिनेमेटिक बताता हूँ। अभी अंडा देख गया घोड़ा, शिट भाई। अरे भाई मैं सो के उठ गया तब भी बारिश बंद नहीं हो रही, और ये बच्चे बच्चे मेरे घर से निकल रहे हैं भाई, फैक्ट्री खुल गई अंदर बच्चों की। सो यार अभी मुझे इधर किसको, अबे तू आ जा भाई, जैसे ही शील्ड निकाली ये आ गया भाई, अभी तू खाएगा है ना। अबे थोड़ा पास, ओ शिट भाई क्या शॉट मारा। अबे तू तो अंदर रहता है ना, तुझे कहाँ से दिख रहा है? ओके ये दिन में अंदर रहता है शायद। रुक तू बेटा, देता हूँ तेरे को प्रसाद में, अभी अभी आ तू, शील्ड लगा ली मैंने, और मार ये ले साले, एक शॉट के लिए नाटक बता रहा था इतने। चले योद्धा सोने के लिए, फाइनली बारिश भी खत्म हो चुकी है, अभी जिसलिए से इसको कंप्लीट करते हैं भाई, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। ये प्लैंक लगाओ, इसको हटाओ, उसको हटाओ, घर बनाना भी भाई माथा जिद्दी है यार एक नंबर की। मैंने क्यों ही किया होगा ये सर्वाइवल सीरीज का स्टार्ट भाई, एक तो व्यूज भी इस पे कम आते हो भाई, मोड्स वाली वीडियो में क्या ही व्यूज और क्या मजा आता है ना उसको बनाने में, ओ भाई स्वाद। लेकिन अभी स्टार्ट किया है तो थोड़ी इज्जत से खेल लेते हैं, बाकी देखते हैं क्या होगा इस सीरीज का। मुझे लग तो नहीं रहा कि मैं ज्यादा देर तक देख पाऊंगा, लेकिन चला लेंगे भाई काम थोड़ा देर। चट भाई लकड़ियां ही खत्म हो गई, हाथ से लकड़ियां तोड़ना पड़ रहा है मुझे, मेरी कुल्हाड़ी भी टूट चुकी थी, मैं उस बार गया था लकड़ियां कलेक्ट करने के लिए। चलो एक चांदी की कुल्हाड़ी बना लेते हैं और चलते हैं थोड़ी वुड्स कलेक्ट करने के लिए, लेट्स गो बॉयज। अभी देखो तुम इतनी लकड़ियां कलेक्ट कर दूंगा किसी ने सोची ना होगी। और इसके उस पर भाई इतने बड़े बड़े पेड़ है, मैं तुमको बताता हूँ, चलता हूँ उधर ही पर। ये देख रहे हो ना, पिछली बार आया था तो कर्तव्य कर करके पेड़ को काटा था, वैसे ये पड़ी है उसकी सैपलिंग। और अपनी कुल्हाड़ी भाई मरने को रही, तो जल्दी से पेड़ कलेक्ट करते हैं यानी वुड कलेक्ट करते हैं और निकलते हैं इधर से। सो अभी मैं तुमको एक निंजा टेक्निक बताता हूँ, सो यार मेरे साथ तुम देखते रहना, यानी कि 1 2 और 3। ये बात थोड़ा लेट हुआ लेकिन यार मैं एडिटिंग में कर दूंगा शायद से, कुछ भी हो लेकिन टेक्निक एक नंबर थी। ओ भाई फाइनली मिल गया, मुझे लगा कि मैं घूम गया यार भाई, उधर पर एक वार्डिंग ट्रेडर था उसको मारा मैंने, पता नहीं मेरी डायरेक्शन कहाँ से कैसे चेंज हो गई, मैं भूल ही गया था किधर से आया था। वो फाइनली मिल गया, थैंक यू, तो जल्दी से जाके सो जाता हूँ, अब तो मैं रुक ही नहीं रहा भाई। सो अभी हमको अंदर वाली चेस्ट को थोड़ा यानी वो क्रीपर निकल 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 निकल
भाई साहब अब भी फोड़ देता ये तो मुझे। अभी आजा बेटे, देख तेरे को एक ऐसी टेक्निक से मारूंगा ना। अभी ये घंटा किसने कर रहा? आजा 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 आजा, थोड़ा ऐसे लो फिर मारो, थोड़ा पीछे आओ और फिर उसके बाद एक और बार मार दो और पीछे। कुछ नहीं, ये स्पाइडर को मारने की ट्रिक है। ये देखो 200 में खत्म यार, मुझसे ट्रेनिंग लिया करो तुम। सवारी चेस्ट में कुछ सामान रख देते हैं और फाइनली इसको भी कंप्लीट कर ही दिया मैंने। और अभी ये बीच में चेस्ट पड़ी है, इसको कर देंगे बाद में। और काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्या अंदर क्या ही स्पेस मिलेगी हमको, यानी कि सब कुछ चेस्ट मेस्ट के लिए। और चलो भाई इसको जल्दी से मैं बाहर शिफ्ट करता हूँ और फिर उसके बाद मैं बताता हूँ आखिरकार हमारा घर कैसा दिख रहा है। सो अभी हमारा ऊपर से टॉप व्यू कुछ इस तरीके का दिख रहा है और काफ़ी मस्त दिख रहा है यार। और अभी मैं क्या सोच रहा हूँ ना कि इसका ऊपर का, यानी हम 2 मंजिल बनाने की सोच रहे, तो इसका ऊपर का ना मैं अगले पार्ट में डालूँ, क्योंकि यार मैं बोर हो चुका हूँ भगवान कसम भाई। मोबाइल में खेलता हूँ और उसके बाद ये ब्लॉक व्लॉक लगाना काफ़ी डिफिकल्ट होता है यार। सो यार पिछले वाले एपिसोड में देखेंगे, और इतना घर बना लिया वो ही बहुत है मेरे लिए। और हाँ, काफ़ी दिनों बाद वीडियो आई है, सो यार थोड़ी व्यूज़ कम आएंगे तो यार लाइक जरूर कर देना और कमेंट कर देना, थोड़ी बहुत मोटिवेट हो जाएंगे तो ठीक है, थोड़ी जल्दी जल्दी वीडियो और डालने लगूंगा। सो यार आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ तुमसे अगली किसी न्यू धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और इस बार MLG नहीं हुई।